भगवान रामंक नगरी अयोध्या पूरा जोरसोर से चली श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य भव्य मंदिर निर्माण पर युद्धकालीन भित्तिर कार्य करुछंती श्रमिक समय जिते पाखे आसुची भक्तों मध्य श्रीराम मंदिर को नहीं उत्कंठा से बढ़िपे लगी राम जन्मभूमि विश्व देख भारत संस्कृति विश्वर श्रेष्ठ मंदिर निर्माण पर कर्णाटक और तेलेंगानु आसी उन्नत मानर ग्रानाइट पथर गोटे पथर लंब 5 फुट चौड़ा 2.5 फुट उच्चता 3 फुट रही से गोटे पथर ओजन 2.5 टन रही मंदिर निर्माण में यह 17,000 ग्रानाइट पथर लगे सूचना मिली। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ आप जानते होंगे कि पूरी अयोध्या का नव निर्माण हो रहा है। करीब 19,000 करोड़ की योजनाएं अयोध्या में हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 सालों में ना केवल राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा बल्कि अयोध्या बिल्कुल नए कलेवर में होगी। और जैसा प्रधानमंत्री की जैसी इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की जैसी कोशिश है कि वे अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह अयोध्या के लिए और राम मंदिर के लिए तो है ही है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जब अयोध्या विश्व की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक नगरी के रूप में सामने आएगी तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रोजगार है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब बदल जाएगा। मंदिर की नींव में तो कंक्रीट है, लोहा वहाँ भी नहीं है, लेकिन फर्श और प्लिंथ का ऊंचा करना ये कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हो रहा है। मैं भी ग्रेनाइट के पत्थर से सटकर खड़ा हूँ, आप उन पत्थरों के ब्लॉक देख रहे हैं। ग्रेनाइट के ये पत्थर, एक पत्थर उसे हम एक ब्लॉक कह सकते हैं। ग्रेनाइट का एक ब्लॉक लंबाई में 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। एक ब्लॉक लगभग 2.5 टन का है और 37.5 घन फुट आकार एक ब्लॉक। ग्रेनाइट के ऐसे 17,000 ब्लॉक लगेंगे।